हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लेबॉर्टरी डायग्नोसिस के बारे में और उनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो चुका है, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स आज के वर्ल्ड में कुछ नहीं है, लेकिन चिकन पॉक्स का इंजेक्शन अभी भी लगाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं 72 आवर्स के अंदर, अगर किसी पर्सन के अंदर हमें पता चले कि उसने अभी उसको एक्सपोजर हुआ है 72 आवर्स के अंदर, हम उसको IgG का इंजेक्शन दे देते हैं। सिमिलरली ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो HIV या एड्स से ग्रस्त हैं उनके अंदर, या न्यू बॉर्न बेबीज़, जो प्री मेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, जिनके अंदर अगर मदर को डिलीवरी के बाद चिकन पॉक्स डिवेल्प हो गया, तो उन बच्चों को भी IgG का इंजेक्शन देना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें जो कि चिकन पॉक्स के लिए है, वो 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे को जो है चिकन पॉक्स का इंजेक्शन जो है दिया जाता है, दैट इज़ जो कि है एक लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, वेरिसेला वायरस का इंजेक्शन। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेदर जो इंजेक्शन दे रहे हैं कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो लाइव एटीन्यूएटेड है, डेडली है। तो जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर वो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है, एक कमज़ोर वायरस होता है जो कि ज़िंदा होता है, और हमारी बॉडी में जैसे वो इंट्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप करता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत में जो था इसका एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसको कोई OKA वैक्सीन, इस बुक में अवेलेबल नहीं है वो लाइन्स, OKA स्ट्रेन था, जो ओका स्ट्रेन भी बोल देते हैं, वो डेवलप हुआ था ताकाशाशी इन जापान के अंदर। शुरुआत में उसके जो इंजेक्शन की वजह से थोड़े बहुत सिम्टम्स अपीयर हो जाते थे, एंड मेनली जो था रैशेस अपीयर हो जाते थे, और उसके बाद जो है सीरो कन्वर्सेशन आफ्टर वैक्सीनेशन इन हेल्दी सीरो नेगेटिव चिल्ड्रन इज़ ओवर 90%। 90% बच्चों के अंदर जो था वो जो वैक्सीन था वो कामयाब पाया गया था। देन द वैक्सीन को क्या था, सेफ और इफ़ेक्टिव प्रूव कर दिया गया था फॉर द चिकन पॉक्स। कई बार चिकन पॉक्स का इंजेक्शन देने के बाद थोड़ी बहुत ही इलनेस वगैरह हो सकती है, एंड जो है अडल्ट पर्संस होते हैं, अगर चिकन पॉक्स का इंजेक्शन उन्होंने नहीं लिया होता तो उनको जो डिज़ीज़ है वो थोड़ी सीवियर फॉर्म में डेवलप होती है। और अब हम देखते हैं थोड़ा लेबॉर्टरी डायग्नोसिस के बारे में, जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जो वायरस हैं वो एक ही जैसे वायरस हैं दोनों, तो थोड़ा सा ही डिफ्रेंशिएशन था उनके अंदर, स्टार्टिंग जो पुराने टाइम के अंदर था उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था कि पेशेंट को चिकन पॉक्स है कि स्मॉल पॉक्स है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आते हैं इनके। अगर हम इनके देखना चाहते हैं इनके शेप को कि इनकी शेप कैसी होती है, तो हमें उसके लिए जो इनकी वेसिकल स्टेज होती है उसका हमें जो है करना पड़ता है, उसकी स्क्रैपिंग लेनी पड़ती है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका जो वायरस होता है वो ब्रिक शेप्ड होता है, ऐसे ब्रिक शेप्ड, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जो चिकन पॉक्स होता है उसका जो वायरस होता है वो राउंड होता है ऐसे। इसके लिए हमें जो क्या करना पड़ता है, जो चिकन पॉक्स है इसके लिए हम लोग जिम्सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल नज़र आता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसके अंदर जो है हमें चिकन पॉक्स के अंदर वायरस नज़र आता है, और ये जिम्सा स्टेन करते हो, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ जो है कौन से स्ट्रेन से जो हम उसको स्टेनिंग करके उसको देख सकते हैं। और चिकन पॉक्स के कंट्रोल के लिए आजकल हम लोग साइक्लोवेयर वगैरह देते हैं, बट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एंटीवायरल ही देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बेड रेस्ट वगैरह जो है, फीवर कंट्रोल के लिए एंटीपायरेटिक्स वगैरह देते हैं, तो सिम्टम बेस्ड जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है इन द चिकन पॉक्स। ये था छोटा सा कि
दोनों के अंदर जो है शेप का क्या डिफरेंस है और इनका जो है ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू।